अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर आज जो है यहाँ पर संपत्ति कर चल करके लिए काफ़ी करदाता यहाँ पर मौजूद हुए हैं, किस स्तर पर जो है यहाँ पर जमा हो रहा है और क्या उनको छूट दी जा रही है? यहाँ पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का है 9 तारीख को और इसमें संपत्ति कर में 50,000 के अंदर जो बकाया है उन पर 100% की छूट है। 50,000 से ऊपर जो है 50% की और 1,00,000 से ऊपर 25% की, क्योंकि ये हर 3 महीने में होती है। तो बकाया करदाता आज अगर जमा करते तो उनको संपत्ति कर सरचार्ज पर छूट हो जाएगी और जलकर जो बकाया राशि है जलकर बकाया राशि पर 100% की छूट है। तो आज इस मौके का लाभ ले रहे लोग और अपना बकाया संपत्ति कर जमा करें और सरचार्ज और तुर्की वारंट वसूली से आने वाली परेशानियों से बचें। सर इससे पहले भी लोक अदालतें जारी हुई है और हुई भी हैं, तो क्या कुछ इसमें फर्क पड़ते जा रहा है? हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोगों को यह लग रहा है कि हमारा बकाया पैसा अगर लोक अदालत वाले दिन जमा होता है तो अतिरिक्त तो उनके जेब पर भार भी नहीं आता, जो टैक्स हमारा नगर निगम का कलेक्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लोक अदालत में। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शास्त्री है, राजस्व अधिकारी हूँ।